वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम देख के जा रहे हैं अपनी गाड़ी को। भाई गाड़ी में खराबी आ गई थी, मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला भी था कि टायर से जो हवा है लीक हो रही है और ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, लेकिन ये लोग कंपनी वाले कह रहे हैं भाई टायर की कंपनी है, वहाँ पे जाके आप लोग दिखाइए। तो अभी हम चल रहे हैं कंपनी, देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है, क्या वो लोग बताते हैं क्या नहीं बताते हैं। तो पहनते हैं हेलमेट, चलते हैं। तो आज सुबह से भाई मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। यहाँ पर देखिए भाई गोमती नगर वाला 10 रुपये वाला रोड है और कितना ज़्यादा साफ बना है, देख सकते हैं भाई। इससे अच्छा हाईवे तो हमें कहीं लगता ही नहीं है। बाकी यहाँ पे पुलिस की जीप जा रही है बगल में, तो एक हाथ से चला रहा हूँ। देखो भाई चलान अलान कहीं ना करते ये लोग, हेलमेट लगा हुआ है, बट देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम लोग पहुँच गए यहाँ पे 10 रुपये। बाकी बताना चाहूँगा भाई, मेरा जो यूट्यूब है हाफ पूरा मोनेटाइज हो गया है, सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन और बहुत सी चीज़ें जो है वो अनलॉक हो गई है। तो अभी देखिए यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे रात के टाइम भाई बहुत ज़्यादा जाम रहता है, ट्रैफिक रहता है, यहाँ से निकलने की भी जगह नहीं मिलती। अभी दोपहर है तो भाई सन्नाटा निकले जा रहे हैं। तो हम देखिए भाई बजाज के शोरूम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देखिए बजाज और KTM एक ही में, क्योंकि भाई दोनों का टाई अप हो चुका है अब। तो अभी चलते हैं शोरूम के अंदर, बताते हैं उनकी परेशानी, अपनी गाड़ी की परेशानी, फिर देखते हैं क्या सॉल्व कर सकते हैं ये लोग। तो एंट्री हम लोगों ने करवा दी है, गाड़ी भी बाहर खड़ी है। अभी थोड़ी देर बाद ये लोग अंदर बुलाएंगे गाड़ी को। बाकी इन लोग से जो दिक्कत थी वो मैंने बता दी है कि टायर की हवा निकल रही है। अब देखते हैं लोग क्या सोल्यूशन देते हैं यहाँ पे। बाकी तक इंतज़ार करते हैं गाड़ी के पास चल के। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कहाँ से निकल रही थी भाई। ये यहाँ पे देखिएगा, ये जो साइडें हैं पूरी ग्रिप की, तो यहाँ पर से हवा निकल रही है। अब निकल रही क्या है क्या नहीं है अभी वो हमें आगे जाके प्रोसेस पूरा पता चलेगा। तो भाई फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं टायर का, नंबर वंबर का। अब ये लोग भाई मैनेजर्स को भेजेंगे, मैनेजर्स वहाँ से कार्ड बनाएगा, तब जाके हमारा पूरा फिर कार्ड बनाने के बाद इन लोग भेजना चाह रहे हैं हमें वहाँ पे TVS यूरोग्रिप एक टायर की कंपनी है, वहाँ पे हम लोग को जाना पड़ेगा। फिर वहाँ हमें लोग को इसकी पूरी शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी, फिर वो लोग देखेंगे फिर बताएंगे क्या होता है क्या नहीं। बाकी मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखिए भाई कितना ज़्यादा स्टॉक खड़ा है पूरा बजाज वालों का। यहाँ पर देखिए NS खड़ी है, पल्सर खड़ी है और आगे एक गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खड़ी है, दिखाना चाहूँगा मैं आपको। तो डोमिनार का मॉडल भाई ये खड़ा है यहाँ पे, 250 cc वाला, 400 वाला नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए बजाज वालों ने हमें ये चीज़ दी है स्टैम्प लगा के। अभी हमें यूरोग्रिप जो टायर की शॉप है वहाँ पे हमें जाना है, वो उसको दिखाना है, उसके बाद वो लोग चेंज करेंगे, क्या करते हैं सही करते हैं देखते हैं, चल के बने रहिए मेरे साथ। तो हम लोग पहुँच गए यहाँ पे, देख सकते हैं ये है टायर की कंपनी TVS की यूरोग्रिप। तो यहाँ पे भाई चेक कर रहे हैं हवा हवा डाल के, अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो भाई पूरी शिद्दत और मेहनत इन लोगों ने पूरा पानी यानी डाल के हर तरफ से चेक कर लिया, लेकिन कहीं भी लीकेज की प्रॉब्लम दिखाई नहीं दी इन लोगों को। तो अभी उसके बाद ये लोग देखते क्या स्टेप लेते क्या नहीं लेते हैं। अब भाई दौड़ना तो हम ही को पड़ेगा चाहे जो हो जाए। बाकी इन लोग भाई पूरी तरह से चेक कर चुके हैं, गाड़ी में एक सिंगल पंचर नहीं है, लेकिन फिर भी भाई हवा निकल ली। क्या हो सकता है क्या नहीं देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग पहुँच गए घर भाई, लेकिन वहाँ पर जो टायर वाला था उसने यहाँ पर कुछ ऐसा लिख के दिया है कि अब टायर जो है इन लोगों ने चेक कर लिया है, वहाँ पे कुछ भी लीकेज नहीं दिखाई दी, कुछ भी नहीं दिखाई दिया, तो ये लोग अब टायर नहीं बदलेंगे, ऐसा लिख के इन लोगों ने अपना स्टैंप लगा दिया है। अब जाते हैं, अब कंपनी वालों से बात करी थी मैंने, वो लोग बता रहे हैं कि ये 2-3 दिन का मुझे टाइम दिए, तो मैं बात करता हूँ आगे अपने मैनेजर से। तो देखते हैं अब 2nd एपिसोड में आपको मैं दिखाऊँगा कैसे क्या हुआ क्या नहीं। थैंक यू, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को।